तमाम मेंबर्स में को वेलकम करते हैं आज के इस सेशन में कंप्यूटर बेसिक का कोर्स हमने भी स्टार्ट किया था और इसके प्रीवियस सेशन के अंदर हम डेप्थ में चीज़ें स्टडी कर चुके हैं थ्योरेटिकल परसपेक्टिव से आज के सेशन में हम चीज़ों को प्रैक्टिकल लेके मूव करेंगे इन तो सेशन को बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं बिस्मिल आज के सेशन का जो एजेंडा है ऑब्जेक्टिव है मकसद है कीबोर्ड के लिहाज से डिस्कशन करना कि की बोर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है लेयर वाइज कीज़ वाइज या बटन वाइज इनको हम लोकल लैंग्वेज में बटन भी कहते हैं तो इन आज हम की बोर्ड को डिटेल में स्टडी भी करेंगे इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी करेंगे आपको तो जो क्यूरीज होंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इन आपकी क्यूरीज को हम डिटेल से सॉल्व भी करेंगे और उनको सॉल्व करके फर्दर भी मूव करेंगे तो एक्चुअली कंप्यूटर या लैपटॉप के परस्पेक्टिव से की बहुत मेन रोल अदा करता है आपकी डाटा एंट्री के परस्पेक्टिव से यही वो वे है जिसके जरिए आप अपना डाटा फीड कराते हैं इंटर करते हैं कंप्यूटर को समझाते हैं तो उसको कीबोर्ड कहते हैं ये एक फिजिकल पार्ट होता है हार्डवेयर कैटेगरी में फॉल करता है और मल्टीपल इसके मतलब इंबाइटमेंट होती है इंटीग्रेशन होती है ये एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है तो दोनों वेज में मैं आपको दिखाऊंगा इसका यूज़ करना एक्सटर्नल कीबोर्ड का और इंटरनल की बोर्ड का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी लेस के मतलब बता दूँ इसकी कीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है मेन मड्यूल मेन पार्ट्स के नाम क्या आते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं तो आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल इनशा और तो मैं आपको बता ही रहा हूं तो फंक्शनल कीज या उन्हें फंक्शन कीज भी कहते हैं या फंक्शनल कीज भी कहते हैं एक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी लोकेशन भी मैं भी आपको दिखाता हूँ दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट कीज है उनको नुमेरिक कहते हैं जिनकी मदद से हम नंबर्स लिखते हैं अपनी स्क्रीन पे नेक्स्ट जो उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ आती हैं वो अल्फाबेट कीज़ होती हैं जिससे हम अल्फाबेटिक्स लिखते हैं इंग्लिश या उर्दू के अंदर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कीज थी नेक्स्ट आती है एरो कीज एरो कीज होती जो की है जो कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं अभी हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल पे जाते हैं विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर तो फिर इस कीज़ की अच्छे से वर्किंग आपको समझ आएगी नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज है स्पेशल कीज़ अब स्पेशल कीज़ इतनी इंपॉर्टेंट कीज हैं कि इनके बगैर आपका कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता चाहे आपने कीज यूज़ की हैं अल्फ़ाबेट कीज़ की हैं ये कीज भी स्पेशल कीज़ के बगैर मीनिंगलेस होती हैं कोई आपको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती तो स्पेशल कीज़ में विंडोज़ कीज आती हैं टैब कीज आती हैं शिफ्ट कीज आती हैं एंटर कीज आती हैं मल्टीपल वो भी कीज है जो इंशाल्लाह भी हम जब स्क्रीन पे जाएंगे वर्किंग करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ आएगी और मैं आपको विजुअली चीजें भी दिखाऊंगा अब मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ एक्चुअली कीबोर्ड होता कैसा है मैं अपने सिस्टम का भी दिखाऊंगा और आपको जो तस्वीरों की शक्ल में वो भी दिखाता हूँ तो पहले नंबर मैं आपको फिजिकली तो नहीं दिखा पा रहा आपको सिस्टम पे मैं हिम्मत की सूरत में दिखा रहा हूँ तो ये एक्चुअली कीबोर्ड की तस्वीर है ये वो इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए आप अपनी हदायत कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर उन हदायत को समझता है उस प्रोसेसिंग करता है और आपको आउटपुट डिस्प्ले करता है आपके मोनीटर की स्क्रीन पर तो ये उसकी विजुअली शक्ल है अभी मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से भी दिखाता हूँ ये वो कीबोर्ड है एक्सटर्नल कीबोर्ड जो आप केबल के जरिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और इसकी मदद से इनपुट देते हैं अपने सिस्टम को हदायत देते हैं अपने लैपटॉप को कंप्यूटर को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यह था एक्सटर्नल अब मैं आपको दिखाता की बोर्ड के लैपटॉप के लिहाज से की अब ये वाला की बोर्ड है की बोर्ड होता है Actually, मैं आपको अपने सिस्टम के लिहाज से भी दिखाता हूँ और ये तो आपने देख चुके हैं अभी मैं आपको अपने दिखाता हूँ लैपटॉप का कीबोर्ड ताकि आप इससे मैच कर सकें एक्चुअली होता कैसा है जो आपके लैपटॉप पे होता है देखिए इस कोर्स को अरेंज करने का मकसद ये है कि कोई बिगनर लेवल का पर्सन शख्स हमारा कोर्स करे कंप्यूटर का तो उसको कंप्यूटर के रिलेटेड अच्छे से नॉलेज हो जाए वो इस कोर्स को अच्छे से समझ सके और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कंप्यूटर के बेनिफिट्स से इस्तः हासिल कर सके मकसद सिर्फ एक है अपने पाकिस्तान की यूथ को देखिए मैं फिर अगेन अगेन कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के लोगों में अभी टेक्नोलॉजी का रुझान बहुत कम है उन्हें एजुकेशन बहुत कम है टेक्नोलॉजी की तो अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए छोटी सी कहश है मेरी कि लोगों को डिजिटल स्किल्स के हवाले से आगाही फम फ्राहम कर सकूं तो कंप्यूटर का नॉलेज ऐसा नॉलेज है जो किसी भी एडवांस डिजिटल स्किल्स के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक मेन दरवाजा है जब तक कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा आप आगे कभी भी मूव नहीं कर सकते तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ अपने मोबाइल पे ओपन कर ले पहले तो देखिएगा ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन विजिबल है अभी मैं आपको इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह और बहुत डिटेल में अगेन मकसद यही है कि आपको इतनी अच्छी तलीम दी जाए कंप्यूटर के रिलेटेड कि आपको किसी भी अकेडमी में जाके पैसे पे करके कोर्स करने की जरूरत ही फील ना हो तो अभी हम इसकी डिटेल में स्टडी भी करेंगे इनशाला तो अभी मैं जस्ट आपको वीओ दी दिखाई है तो अगेन चलते हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर ये देखिए ये था एक्सटर्नल कीबोर्ड ये भी एक्सटर्नल ही है लेकिन ये लैपटॉप का कीबोर्ड है जैसा कि मैंने आपको अपने लैपटॉप का दिखाया है अब असल में डिस्ट्रीब्यूशन आती है इनकी कीज की तस्वीर को देख के आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि इतनी मुश्किल डायग्राम दिखा रहे हैं आप तो एक्चुअली देखिए जो टॉप पे रेड कलर के साथ हाईलाइट हुई हुई चीजें उनको कहते हैं फंक्शन कीज उनकी मैंने अलाइनमेंट भी सेट की हुई है फंक्शन कीज को ऊपर देख के f1 से शुरू होती है फंक्शन की 1 से शुरू होती है f2 f3 f4 f5 ये जाती है 12 तक तो एक्चुअली फंक्शनल की स्पेशल काम करती है स्पेशल काम में भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी ऐसे अभी समझ नहीं आएगी जिन मेंबर्स को समझ आया वो काइंडली कमेंट सेक्शन में हमें गाइड भी करें कि सर इसका ये फंक्शन होता है तो नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा था कि नुमेरिक बहुत इंपॉर्टेंट कीज होती हैं वो भी दिखा रहा हूं मैं आपको ये देखिए यहाँ पे नुमेरिक नंबर कीज लिखी है कीज भी ना कहते हैं ब्लू बॉक्स के साथ मैंने हाईलाइट की हुई है वन टू थ्री फोर नंबरिंग लिखी हुई है इसके ऊपर मैंने और ये देखिए ये सारी सारी कीज में आती हैं इनकी एक ब्लॉक इस साइड पे कीबोर्ड के टॉप पे होता है और एक ब्लॉक इनका इस साइड पे भी होता है नंबरिंग में तो आप दोनों को कीज के तौर पे यूज कर सकते हैं कीज का मतलब होता है आपने नंबर लिखने अपना फोन नंबर लिखना अपना डिजिट में कोई काउंट लिख देना कोई मैथमेटिक का बड़ा डिजिट लिख लेना वो नुमेरिकीज से लिखते हैं थर्ड नंबर पे आता है अल्फाबेट कीज ये देखिएगा अल्फाबेट कीज मैंने बॉटम पे लिखा हुआ है और ये रेड बॉक्स के अंदर मैंने अल्फाबेट कीज की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है पूरी Q -Q -E पूरी की पूरी लिखी हुई है इसको कहते हैं अल्फाबेट कीज इससे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इनको कहते हैं अल्फाबेट कीज अब स्पेशल कीज ये मैंने ग्रीन बॉक्सिस के अंदर लिखी हुई है स्केप की हो गया टैब की कैप्सला की शिफ्ट की कंट्रोल की स्पेस बार की विंडो की मल्टीपल कीज है इनसे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना इंशाल्लाह शाह यहाँ पे शहरी सर हाजिर है आपके आपको डिटेल से चीजें गाइड करेंगे तो हम फर्दर मूव करेंगे तो ये स्पेशल कीज होती है एरो एरो कीज 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 या अब या कर्सर कर्सर कंट्रोल 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 अब आपके ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को करती है अगर आप गेम खेल रहे हैं तो इन चार बटनों से भी गेम खेल सकते हैं या आपका जो कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो आप अपने माउस की पोजीशन को एडजस्ट भी कर सकते हैं एरो कीज की मदद से या कर्सर कंट्रोल कीज की मदद से तो अभी हम बैक चलते हैं आपको दिखाता हूं मैं गेम फंक्शन कीज कीज़ 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 अल्फाबेट एरो स्पेशल स्पेशल में कैटेगराइज की है हमने कीज को जो स्पेशल काम परफॉर्म करती हैं अब मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इन कीज़ का असल में मकसद क्या होता है और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी की किस जगह पे मौजूद है अगर आपने टाइपिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि ए का बटन इस जगह पे है पी का बटन इस जगह पे है जमा का निशान इस जगह पे है माइनस का बटन इधर है शिफ्ट का बटन इधर है टैब का बटन इधर है शिफ्ट का बटन इधर मल्टीपल बटन की लोकेशन आपको आस्था आस्ता याद हो जाएगी तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना मैं अब आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखाता हूं अब यहाँ पे मैं आपको एक एडिटिंग टूल में लेके जाता हूं अपने नाम से मैंने फाइल रखी इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ ओके हो गया अभी आपने इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना परेशान बिल्कुल नहीं होना कि मैं किस एप्लीकेशन के अंदर वर्किंग कर रहा हूँ इस पर हम डिटेल से लेक्चर करेंगे आज के सेशन का मकसद जस्ट एक है आपको कीबोर्ड की वर्किंग की का पता चल जाए अच्छे से तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज बढ़ा करता हूँ यहाँ पे करते हैं अठारह ये काफी अच्छा विजिबल है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इज शहर तो देखिएगा ये जो मैंने नाम लिखा है ये अभी तक मैंने नाम लिखा है अल्फाबेट की की मदद से ये जो मैंने रेड ब्लॉक ब्लॉक नहीं बनाया हुआ -E के ओ आर टी वाई से लेके यहाँ एम तक इन कीज की मदद से मैंने अपना ये सब कुछ लिखा है अभी अपनी फाइल पे यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ और इस कीबोर्ड पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ के से लेके एम तक ये वो कीज़ हैं जिनको हम अल्फाबेट कीज़ कहते हैं इनसे हम अपनी नाम लिख सकते हैं एड्रेस लिख सकते हैं उर्दू इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं इनको अल्फाबेट कीज़ कहते हैं तो मैं अगेन जाता हूं अपने एडिटिंग टूल पे तो माय नेम इज शहडिया मैंने अभी तक कौन सी कीज का वर्किंग यूज़ की है अल्फाबेट कीज की शाबाश तो अब मैं यूज़ करूंगा कीज तो कीज यूज़ करने के लिए मैं वर्किंग यूज करूंगा करूँगा कीज की नुमरीज कीज़ के लिए यहाँ पे लिखता हूँ अपना फोन नंबर लिखते हैं डमी सा जीरो फला फला फला, टैन, 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 टैन. ओके ये नंबर मैंने अपना फर्जी नंबर लिखा है तो यहाँ पे मैंने जो वर्किंग वर्किंग यूज यूज की 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 है की वर्किंग यूज़ की है कीज मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं और आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे एक बेहतरीन टूल लेके आने लगा उसका वेट कीजिएगा अभी आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएगी इंशाल्लाह यहाँ पे मैं लाता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तो देखिएगा अब जो जो बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ अपने एक्चुअल की के ऊपर वो चीजें यहाँ पे डिस्प्ले पे भी हमें विजिबल होती रहेंगी जस्ट सिखाना मकसद है आपको ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आती रहें। तो देखिए जो चीज मैं अपने एक्चुअली फिजिकल कीबोर्ड पे टाइप करूंगा वो यहाँ पे आपको विजिबल होगी अगेन मैं चीजों को रिमूव करता हूँ और दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज शहरिया तो देखिए यहाँ पे मैं जो बटन प्रेस करता हूँ ओके हो गया तो ये वाला मैंने फिजिकल की बोर्ड पे अल्फाबेट की फंक्शनैलिटी को अचीव किया था अब यहाँ पे लिखता हूं माय एजुकेशन जो ऑन स्क्रीन की बोर्ड है उसकी फंक्शनैलिटी के लिए आपसे भी दिखाता हूं माय एजुकेशन इन एम एस कंप्यूटर यहां पे हम कैप से बड़ा करते हैं शिफ्ट का बटन दबा लेते हैं हम का किया हमने। तो ये मैं बैक स्पेस से तो तो ये मैंने भी आपको कीज, कीज की कीबोर्ड की की अगर आपका फिजिकल कीबोर्ड वर्किंग नहीं कर रहा कोई इशू कर रहा है तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हैं तमाम की तमाम वर्किंग आप वहां से परफॉर्म कर सकते हैं अब मैं चलता हूं दोबारा अपने स्लाइड की तरफ और यहां पे आपको चीजें दिखाता हूं तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पे से वर्किंग यूज की है अल्फाबेट कीज की एंड कीज की नुमेरिकी से हमने नंबर लिखा अपना फोन नंबर लिखा अल्फाबेट की से हमने अंग्रेजी में जो मर्जी टाइप करना टाइप कर सकते हैं अगर आपने उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल किया तो आप उर्दू भी लिख सकते हैं अल्फाबेट कीज की मदद से अब हम चलते हैं कर्सर कंट्रोल कीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं और देखिए जैसे जैसे मैं आगे करता रहूंगा, आपको बाकी की रिपीट करता रहूंगा। अब करूंगा तो साथ, साथ की, को, भी करूंगा। मैं उसके तो को मैं दोबारा से एलैबोरेट करता रहूंगा ताकि आप इफेक्टिव वे के अंदर प्रीवियस चीजों को रिकैप करते रहे और आपके माइंड में चीजें बैठती रहे तो डोंट वरी डोंट कंफ्यूज आई एम हेयर फॉर योर हेल्प तो अब हम चलते हैं दोबारा अपने अब एडिटिंग टूल में ओके okay हो गया तो यहां पे मैंने लिखा माइन शहर माई एजुकेशन इज कंप्यूटर साइंस तो यहाँ पे लिखता हूं मैं अपना फोन नंबर फर्जी सा ये मैंने फोन नंबर अपना डमी लिख लिया या जो पहले लिखा था वो लिख लेते ताकि आप बिल्कुल ना हो टेन, ओके टेन, टेन okay हो गया तो देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दिया है कुछ भी लिख दिया है अब मैंने इन कीज में आप देख सकते हैं मेरे करसर के ऊपर नजर रखेगा ये जो छोटा सा पॉइंट है ये जो ब्लिंक कार्ड है लाइन इसको कहते हैं कर्सर जो आपकी पोजीशन की आइडेंटिफिकेशन करता है अलाइनमेंट को बताता है कि आप किस जगह पे खड़े हैं इस वक्त तो इसको कहते हैं कर्सर या पॉइंटर ठीक हो गया तो इसको किस की, जिन चीज से करते हैं उनको कहते हैं कर्सर कंट्रोल कंट्रोल कीज कीज या एरो देखिएगा मैं इन कीज की मज़ से ऊपर नीचे मूव कर रहा हूं अगेन देखिएगा लेफ्ट राइट जाना तो आपने इन कीज की मदद से मूव करना है जहां पे जाके चेंजिंग करनी आप इनकी मदद से कर सकते हैं मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की वर्किंग भी दिखाता हूं ताकि आपको चीजें विजुअली नजर भी आती हो अब ये देखिए यहाँ पे ये चार कीज बनी हुई है एरो कीज स्क्रीन के ऊपर कुछ होट स्टाइल के अंदर है ऑन स्क्रीन की कुछ डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अगेन ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो तो देखिए यहाँ पे ये चार कीज है जिनसे आप कीज अपने कर्सर को मोनीटर करते हैं मैनेज करते हैं उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं तो अब मैं आपको अगेन लेके चलता हूं अपने एडिटिंग टूल पे ओके हो गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन किया मैंने ओके okay हो गया तो अब इन चीज के, के मैं देखिएगा मैं ऊपर ऊपर मूव करता हूं आपको आवाज भी सुनाई देगी ये वाला कीबोर्ड आपने उस सिचुएशन में यूज करना है जब आपका फिजिकल कीबोर्ड काम ना करे तो आपने सॉफ्ट कीबोर्ड को जो आपकी विंडोज के अंदर पहले से पड़ा होता है उसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कहते हैं आपने उस कीबोर्ड को यूज करना है और इंजॉय करना है तो अभी तक मैं अल्फाबेट कीज़ को यूज कर सक, कर चुका हूं। कीज को कर चुका हूँ कर्सर कंट्रोल कीज को एरो कंट्रोल कीज को भी कर चुका हूँ तो अब हम चलेंगे कुछ एक्स्ट्रा कीज की तरफ तो आई थिंक फंक्शन कीज को थोड़ा डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा तो उसके लिए मुझे आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी तो नो प्रॉब्लम मैं भी आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो अब आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा दीजिएगा जो जो चीज़ें मैं करके आपको दिखाऊंगा तो आपने साथ साथ तो उसके इफेक्ट्स देखने हैं पहले नंबर पर मैं आपको फंक्शन कीज की लोकेशन दिखा दूँ ताकि आप अच्छे से चीज़ों को पिक करें तो ये देखिए फंक्शन चीज टॉप पे टॉप पे हैं। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे भी आपको साथ साथ

ऊपर तो आपको आई थिंक हो चुका है इन फंक्शन कीज का तो अब हम चलते हैं इनकी प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ आप देखिएगा फंक्शन की होता है एक्चुअली क्या तो अब यहाँ पे फंक्शन कीज है मैं आपको उसका हाईलाइट करके भी दिखा दूँ यहाँ पे फंक्शन कीज के ऊपर स्पेसिफिक चीजें बनी है यहाँ पे जो सूरज की निशानी बनी हुई है लाइट काम ज्यादा करने का एफ थ्री के ऊपर है लाइट काम करनी एफ फोर के ऊपर है लाइट को ज्यादा करना तो मैं एफ फोर को प्रेस करूंगा तो मेरी स्क्रीन की लाइट ज्यादा होगी आप मेरी स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा ये देखिएगा मेरी स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ गई है ज्यादा हो गई है तो ये फंक्शन की इसका टास्क था फंक्शन की ये काम करती है तो मैं अगेन इसको प्रेस करता हूँ ब्राइटनेस को थोड़ा काम करते हैं ताकि आप भी चीजें अच्छे से देख सकें ये देखिए डल होती जा रही स्क्रीन मेरी बिल्कुल काली हो गई है तो अगेन मैं उसको इंक्रीज करता हूँ ताकि विजुअली तो चीजें हमारे लिए हमारे पास रहें तो फंक्शन कीज का मतलब होता है कोई खास काम करना फंक्शन की अब अगर आपने अपनी मा, स्पीकर या माइक की वॉइस को ऑफ़ करना है तो यहाँ पे F5 के ऊपर लिखे अपनी वॉइस ऑफ करना आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ F5 के ऊपर लिखे माइक की वॉइस ऑफ कर दें F6 से अपनी वॉइस को ऑन कर सकते हैं F7 से वॉइस को ज्यादा कर सकते हैं एफ नाइन का भी यही फीचर है F9 का कीज़ कीबोर्ड के कुछ फंक्शन को डिसेबल करना F11 का मतलब है कि आप अपना इंटरनेट ऑफ करना चाहते हैं एरोप्लेन मोड में जाना चाहते हैं पीटीआर स्क्रीन आप एक स्पेशल फंक्शन की जो आपके स्क्रीन screen की स्क्रीन लेती है आपके लैपटॉप के जो डिस्प्ले होता है उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेती है इस पे भी हम मजीद डिस्कशन करेंगे तो बहरहाल अभी इतना ही काम फंक्शन कीज के वाले से समझ ले काफ़ी है फंक्शन की की मदद से आप मजीद काम भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपने सिस्टम को शार्ट डाउन करना है तो फंक्शन की बाकी कीज के साथ मिलके आपके सिस्टम को शार्ट डाउन भी कर सकती हैं या यही कीज बाकी कीज के कॉम्बिनेशन से बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव से काम भी परफॉर्म कर सकती हैं तो आई थिंक इनकी प्रैक्टिकल वर्किंग में आपको दिखा दी है अब मैं अपना जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको ऑफ करता हूँ ताकि अब हम डायरेक्ट चले जाएँ अपने प्रैक्टिकल टास्क की तरफ तो ये देख सकते हैं आपने फंक्शन सॉरी फंक्शन कीज़ की अच्छे से वर्किंग समझ ली है सीख ली है और आपको आइडिया हो चुका है कि फंक्शन कीज़ मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं समता ये अकेले ही काम कर लेती हैं ये चीज और बात बाद ये चीज बाकी चीज़ के साथ कंबिनेशन करती हैं और अच्छे से काम परफॉर्म करती हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ स्पेशल कीज़ ये मैं स्पेशल कीज ग्रीन बॉक्सिस के अंदर डाली है स्केप की टैब की इन चीज़ की वर्किंग आपको अच्छे से समझाता हूँ एडिटिंग सॉफ्टवेयर में चले गए अगेन कहता हूँ आपने इस सॉफ्टवेयर के मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि सर ने पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर लिया है एक्चुअली सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड और इसके ऊपर ही मैं आपको एक सेशन डिटेल से गाइड करूंगा तो अब हम चलते हैं स्पेशल कीज की तरफ उनकी वर्किंग को देखते हैं मैं आपको अगेन उनकी तस्वीर भी दिखा दूँ ताकि आपको तो देखिए आप टैब की कैप्सूला की शिफ्ट की कंट्रोल की आर्ट की ये वाली बार की की कंट्रोल शिफ्ट एंटर बैक स्पेस जितनी भी कीज आती हैं सारी की सारी स्पेशल कीज की कैटेगरी में फॉल करती हैं तो अब हम इनकी वर्किंग स्टडी को वर्किंग करेंगे सॉरी वर्किंग को स्टडी करेंगे तो पहले नंबर पे हम स्टडी करेंगे टैब की को कौन सी की को टैब की को तो ये वाली टैब की जहां पे मैं आपको हाईलाइट किया इसकी वर्किंग दिखाने जा रहा हूँ जरा वेट कीजिए जरा सिस्टम को देखिए ओके लोकेशन मैंने आपको दिखा दिया मिसाल के तौर पर पे लिखता हूँ माए ने शहर या रिजाज देखिए अब आप चाहते हैं कि आप जो एक, एक लफ्ज के हाँ यहाँ पे बड़ी मजे की चीज आपको मैं दिखाता हूँ सारी की चीजें मैं रिमूव करता हूं। पे पूरी चीजें मैंने रिमूव कर दी तो है आप लोग बताए तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं, आपने कॉमेंट में जरूर बताना है कि ये पढ़ा जा रहा है अगर पढ़ा जा रहा है क्या अच्छा भी दिखाई दे रहा है मैं आपको यही कहूंगा कि ना तो अच्छा दिखाई देगा और ना पढ़ा जाएगा बहरहाल आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर अपडेट करना है देखिए ये इशू आ रहा है मतलब अच्छा नहीं लग रहा तो आप इस चीज को इसकी रीडेबिलिटी को इसकी विजुअल इफेक्ट्स को बेहतर कर सकते हैं स्पेस की की मदद से कि हर लफज के अंदर हर वर्ल्ड के अंदर वक्फा भी दिखाई तो मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस बार की फिर उसकी वर्किंग भी दिखाता हूँ मैं पहले ऑन स्क्रीन की को ओपन कर लेते हैं तो एक्चुअली ये जो बटन यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया वाइट रहा है ना ये इसको कहते हैं स्पेस की जिसकी मदद से हम स्पेस देते हैं अपनी चीजों के बिटवीन तो मैं आपको अगेन दिखा दूं तो ये देखिए स्पेस बार की यहाँ पे लिखा हुआ कि इस की इसकी से हम अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं स्पेस देने वाली चीजें तो यहाँ पे मैं एक एक लफज में आऊंगा कर्सर कंट्रोल की ही मदद से देखिएगा मजा आता कर्सर की से मैं इधर आया स्पेस दी मैंने माय नेम नेम के इधर स्पेस दी मैंने इज इज में स्पेस दी शहर इजाज के भी डिमेंड दूंगा मैं तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस की से ये वर्किंग को परफॉर्म किया है ये एक चीज तो आपको समझ आ गई है अब नेक्स्ट मैं एक मजे की चीज करता हूं नेम इज इजाज अब आप कहते हैं सर मुझे एक एक लफज की स्पेस नहीं चाहिए अल्फाज में मुझे बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए ये माय नेम के अंदर जो स्पेस है ये एक करेक्टर की स्पेस है एक लफज की स्पेस है तो आप चाहते हैं सर मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए तो वो आप स्पेस की जो फंक्शनलिटी अचीव करेंगे वो टैब की से करेंगे टैब की मैं आपको दिखा दू एक दफा ये वाली टैब की है टी ए बी टैब टैब का मतलब वक्फा दो ज्यादा तीन चार बार जो स्पेसिस होती है वो डाल देता है ये बटन तो मैं इसकी को प्रेस करता हूँ आप वर्किंग देखिएगा फिर देखिएगा फिर देखिएगा फिर देखिएगा तो इतनी आप स्पेस दे सकते हैं एक जगह प्रेस करने पे मैंने अगेन क्लोज की चीजें अब मैं एक एक टैब का वक्फा डालूंगा एक वक्फा मैं इधर रखूंगा इधर एक टैब का स्पेस दूंगा शहरियर से पीछे मैं टैब दूंगा इजाज से पहले एक्सप्लेन दूंगा मैं तो ये टैब की की वर्किंग थी आई थिंक आपको टैब की की वर्किंग भी पता चल चुकी है अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट की की वर्किंग समझाऊंगा यहाँ पे तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर किसी चीज की समझ ना आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें अच्छा फीलिंग आती है खुशी होती है कि आप लोग हमारी वीडियोस को डिटेल में देखते हैं इतनी लेंथी वीडियोस होती हैं फिर भी उनको कंप्लीट देखते हैं जो क्यूरीज होती हैं उनको पूछते भी हैं जो चीज़ समझ नहीं आती है वो कमेंट भी करते हैं और हमें अप्रिशिएट भी करते हैं हम आपके बहुत मशहूर हैं तो अब हम अपने सेशन को यहीं पर पॉज करते हैं इनशाला 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 रिमेनिंग चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा डिटेल से डिस्कस करेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज